न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं आज एक बार फिर से हमारा खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड। जैसा कि सब जानते हैं, फ्लैशबैक में हम हमेशा बात करते हैं गुजरे जमाने के सिनेमा के बारे में। आज एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं ऐसी ही कुछ खबरें, और आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र और उनके एक ऐसी ही प्रेम कहानी के बारे में जो हेमा मालिनी से नहीं बल्कि एक और ब्यूटी क्वीन यानी जिन्नत अमान के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी कि जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में पागल थे तो फिर भला जिन्नत अमान के साथ उनकी प्रेम कहानी कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जो बात आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आप ही चौंक जाएंगे कि जिन्नत अमान से तो धर्मेंद्र पिट भी चुके हैं बुरी तरह से। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ हम बात कर रहे हैं उनकी फिल्म धर्मवीर के बारे में। धर्मवीर इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर आते ही लोगों को खूब अपनी तरफ आकर्षित किया था। फिल्म में धर्मेंद्र और जिन्नत अमान के बीच एक प्रेम कहानी होती है। उस समय पर धर्मेंद्र एक गांव में रहने वाले साधारण से लड़के होते हैं, तो वहीं जिन्नत अमान होती हैं किसी देश की रानी। और उसी दौरान जब धर्मेंद्र देखते हैं जिन्नत को, तो उनके प्यार में ऐसा पागल हो जाते हैं कि उनके प्यार में पागल होकर वो ना जाने क्या क्या हरकतें कर बैठते हैं, जिसके बाद जिन्नत अमान से धर्मेंद्र खूब पिटते हैं। अब ये बात आप सभी को हैरान तो कर ही रही होगी, लेकिन यहाँ आपको उनकी फिल्म धर्मवीर की याद भी आ गई होगी। चलिए दोस्तों, आज एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं धर्मवीर से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में, जब धर्मेंद्र देओल आज भी इन बातों को लेकर, इन फिल्मों को लेकर खबरों का हिस्सा रहते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। दोस्तों, जहां फिल्म इंडस्ट्री में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र देओल के प्यार की मिसाल आज भी दी जाती है, जिस तरह से सब जानते हैं कि शादीशुदा होते हुए भी धर्मेंद्र अपने आप को खूबसूरत हेमा मालिनी की तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाए, और यही वजह है कि आज भी ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि शादीशुदा होते हुए भी धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में इस कदर पागल हो चुके थे कि उनसे शादी करने के लिए उन्होंने अपना धर्म तक बदल डाला। वेल दोस्तों, बता दें कि धर्मेंद्र ना सिर्फ हेमा मालिनी के प्यार में बस की, इससे पहले एक और टॉप एक्ट्रेस के प्यार में पागल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ हम बात कर रहे हैं अपनी बोल्डनेस की वजह से जाने जाने वाली एक्ट्रेस जिन्नत अमान की, जिन्होंने एक समय पर अपनी खूबसूरती का खूब तड़का लगाया फिल्मों में, तो वहीं जिन्नत आज भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए जानी जाती है कि उन्होंने फिल्मों में बोल्डनेस ला दी। वहीं एक्ट्रेस की पहचान ही बदल दी जिन्नत ने, और तब धर्मेंद्र जिन्नत के प्यार में पागल हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप सभी को हैरान तो कर ही रही होगी, लेकिन यहाँ हम रियल नहीं बल्कि कर रही हैं उनकी रियल लाइफ के बारे में बात। जैसा कि सब जानते हैं, जिन्नत अमान और धर्मेंद्र देओल ने फिल्म धर्मवीर में एक साथ स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म में दोनों ने एक दूसरे की प्रेम प्रेमिका का किरदार निभाया था। बता दें दोस्तों, इस फिल्म में जहां धर्मेंद्र होते हैं एक गांव के साधारण से लड़के, तो वहीं जिन्नत होती है एक रानी, और धर्मेंद्र उस समय पड़ जाते हैं जिन्नत के प्यार में, और उनके प्यार में पड़कर खूब खाते हैं उनसे थप्पड़। इतना ही नहीं, जिन्नत अमान से खूब पिटते हैं धर्मेंद्र देओल, और फिर भी नहीं आते हैं बाज, और हमेशा ही करते रहते हैं अपने प्यार का इजहार। बता दे दोस्तों, इस फिल्म में धर्मेंद्र को जिन्नत अमान से खूब मार पड़ती है, लेकिन फिर भी वो अपने प्यार का इजहार करते ही रहते हैं। और जैसा कि सब जानते हैं कि आखिर में हार कर जिन्नत भी धर्मेंद्र को अपना लेती है और उनसे अपने प्यार का इजहार भी करती है। हालांकि जिन्नत को अपने प्यार में पागल करने के लिए धर्मेंद्र क्या कुछ नहीं करते हैं फिल्म में,
उनको पाने के लिए वो हर तरह का नाटक करती हैं, ना जाने कितने ही ड्रामे करती हैं। लेकिन आखिरकार अपनी हर चाल में वो सफल होते हैं और अपने प्यार को पा ही लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपको फिल्म धर्मवीर की याद तो जरूर आई होगी, जिसमें ना सिर्फ ये प्रेम कहानी बल्कि एक दोस्ती को भी दिखाया गया है। एक दोस्ती, एक भाई भाई का रिश्ता और एक प्यार की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई। तो वही आज भी इस फिल्म को देखना दर्शक खूब पसंद करते हैं। धर्मेंद्र देओल जिनकी खूबसूरती पर लड़कियां खूब फिदा हुआ करती थी। कहा जाता है कि उनकी दीवानगी लड़कियों के सिर चढ़ इस तरह से बोलती थी कि रात को अपने तकिए के नीचे लड़कियां धर्मेंद्र की फोटो रख कर सोया करती थी। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी खूबसूरती का। तो वही जब धर्मेंद्र कर लेते हैं अपनी असल जिंदगी में हेमा मालिनी से शादी, तो ना जाने टूटता है कितनी ही लड़कियों का दिल। लेकिन फिर भी उनके फैंस उनको देते रहते हैं दुआएं उनकी अच्छी जिंदगी के लिए। तो वही बता दे आप सभी को कि आज भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार की मिसाल दी जाती है। कहीं ना कहीं आज भी इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि इनका प्यार अमल है। वेल, बात की जाए अगर इसके अलावा, तो बता दे कि जिस समय पर धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की, उस समय वो ना सिर्फ शादीशुदा थे पहले से ही, बल्कि वो चार बच्चों के पिता भी थे। लेकिन फिर भी उनको इस कदर हेमा से प्यार हुआ कि उनसे शादी किए बिना वो रुक ही नहीं पाए। और आज हेमा मालिनी से उनकी दो बेटियां भी हैं। लेकिन आज इस उम्र में भी इन दोनों के बीच का प्यार तब देखा जाता है जब इन दोनों की तस्वीरें सामने आती है। अक्सर ही हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को एक दूसरे के साथ देखा जाता है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उम्र भी इनके प्यार को कम नहीं कर पाई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ भी इनका प्यार भी बढ़ता ही जा रहा है। इनका प्यार उतना ही गहरा है जितनी ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। यानी उम्र कहीं नहीं आड़े आती इनके प्यार के बीच में, और आज भी कहीं ना कहीं दी जाती है इनके प्यार की मिसाल। Start your career with us. जी हाँ दोस्तों, जहाँ मिसाल दी जाती है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के प्यार की, वहीं धर्मेंद्र के बारे में ऐसी बात सुनकर हर कोई हैरान जरूर हुआ होगा। लेकिन वहीं उनके इस फिल्म में ये काफी मजेदार सीन होता है जब जिन्नत अमान से खूब पिटते हैं धर्मेंद्र, और फिर भी नहीं पड़ता उन्हें कोई फर्क और अपने प्यार का इजहार करने से नहीं डरते। हालांकि सीन के बाद उनको फिल्म में अपना प्यार तो मिल ही जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बता दे कि आज भी जब छोटे पर्दे पर ये फिल्म आती है तो दर्शक इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस करना पसंद नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए धर्मेंद्र देओल और हेमा मालिनी के बारे में, दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, और धर्मेंद्र हेमा की खूबसूरती से, उनकी एक्टिंग से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे कि उन्हें अपना दिल ही दे बैठे, और शादीशुदा होते हुए भी वो हेमा मालिनी से इस कदर प्यार कर बैठे कि उनसे शादी करने के लिए बेताब हो गए थे। और जैसा कि सब जानते हैं कि आज ये दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं। आज इन दोनों के प्यार की मिसाल दी जाती है। वेल दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।